वहीं सरकार द्वारा लाडली बहना को सम्मान देने पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज महिला सशक्तिकरण को लेकर कई प्रमुख घोषणाएं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की हैं। इन घोषणाओं से निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की आधी आबादी को लाभ मिलेगा। उसी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एमपी बीजेपी संगठन सीएम शिवराज का धन्यवाद ज्ञापित करता है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया और कहा कि जिस व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति होती है वो उसी तरह के बयान देता है। उन्होंने कहा कि आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा समाज सेवी संगठन है। लाडली बहना जो 1,25,00,000 बहने जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत जिन्हें 1,000 रुपये उनके खाते में जाता है, अब उन बहनों को आजीविका मिशन के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। उन्हें अब लोन भी मिलेगा जिससे वो स्वयं का अपना काम शुरू कर सकें। आत्मनिर्भर बनाना जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प लिया है, उसके अंतर्गत लाडली बहना योजना में उन बहनों को भी आजीविका मिशन से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाएगा जिससे उन्हें लोन मिलेगा और उस लोन का ब्याज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी। गांव में बहनों के रहने के लिए भूखंड देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की है और सबसे बड़ी बात कि हमारी सरकार ने इस मध्य प्रदेश के अंदर जो ऐसे लोग जो माफिया के तौर पर काम करते थे उनसे छीनी गई भूमि से बहनों के रहने के लिए प्लाट उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगी। बढ़े हुए बिजली के बिलों में जो वसूली अब उन बहनों से नहीं होगी, बड़े बिजली के बिलों से बहनों को मुक्ति मिलेगी, ये डिक्लेरेशन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि सितंबर में बढ़े हुए बिल अब वो जीरो बिल होंगे और हर गरीब बहन का बिल आगामी महीने से 100 रुपए का बिल होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहनों से पूछा कि बहनों 100 रुपए ठीक हैं, तो बहनों की अनुमति से इस रक्षाबंधन के पर्व पर इससे मुक्ति दिलाते हुए 100 रुपए का बिल हमारी सरकार आगामी महीने से उनको देने का काम करेगी। देखिए, मैं किसी पर कोई आरोप तो नहीं लगाना चाहता और मुझे लगता है कि वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन जो गुंडा प्रवृत्ति का हो तो उसको सब गुंडे ही दिखाई देंगे। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है और आरएसएस को ऐसे प्रवृत्ति के लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आरएसएस इस दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है।